वेलकम टू एचएम क्लासेस। एचएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच में सुमित वेरेटिया सर हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट कॉलेज हिंडोन सिटी करौली में। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। का सर से मेरी मुलाकात फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला में हुई थी। तो सर से जब मैंने बात की तो सर ने आपसे जो भी इनका व्यक्तिगत अनुभव रहा है उसके लिए आपसे शेयर करने के लिए सहमति दी। तो मैंने कहा कि अच्छी है कि आप सबको इनके जो व्यक्तिगत अनुभव से आपको भी लाभ मिल सकता है। चलिए सर से जान लेते हैं कि उन्होंने किस तरीके से तैयारी की और क्या पूरा प्रोसेस रहता है इसका। सुमित सर, आपने तैयारी कहाँ से की थी? मैंने अपनी जो हायर एजुकेशन की है सर, वो मैंने सेल्फ स्टडी से की है। इससे पहले मैंने नेट का एग्जाम पास किया था, वह भी सेल्फ स्टडी से। फर्स्ट अटेम्प्ट में 2019 में क्लियर किया था। जब आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई तो मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी बुक्स को परचेज किया। उसके बाद मैंने उससे अपनी तैयारी करना स्टार्ट किया और अपना सिलेक्शन को सफल बनाया। सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर की है और सेल्फ स्टडी से ही की है, तो सर सभी के लिए मिसाल हैं जिन्होंने अपने लेवल पे ही सब कुछ किया है और कम उम्र में ही ये असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हैं। इनका सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ही है। ये जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2020 है उसमें इन्होंने ये सफलता हासिल की है। सर, इंटरव्यू बोर्ड में कितने मेंबर्स या कितने एक्सपर्ट वगैरह होते हैं? इंटरव्यू जो है वो अपना राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा लिया जाता है। इंटरव्यू में एक आरपीएससी मेंबर प्लस दो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं। टोटल 3 कैंडिडेट आपके इंटरव्यू में देखने को मिलते हैं। अच्छा सर, और ये इंटरव्यू में आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे सर? इंटरव्यू में जो आरपीएससी के मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा आपके पर्सनल लाइफ और एजुकेशन के बारे में पूछा जाता है, प्लस आपके राजस्थान जीके, आपकी सिटी, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में भी क्वेश्चन वो पुटअप करते हैं। और जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं उनके द्वारा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड डीपली एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छी बात है सर। सर, कोई क्वेश्चन अगर आपको याद आ रहा हो तो वो भी शेयर कीजिए। हाँ, सबसे पहले तो जो आरपीएससी के मेंबर थे उन्होंने सबसे पहले मेरे से ये पूछा था कि आप किसी पहले से किसी गवर्नमेंट जॉब में है क्या? तो मैंने कहा नहीं, मेरा पहले से किसी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन अभी तक हुआ भी नहीं है और मैंने अभी तैयारी भी नहीं की थी इससे पहले। मैं बताना चाहूँगा, सर ने बताया था कि जो इनसे क्वेश्चन पूछा गया था जैसे कॉमर्स से रिलेटेड इनका बिजनेस है कि इंडस्ट्रीज और जो आपका बिजनेस है उन दोनों में क्या अंतर होता है, और उनसे एक ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि बिनानी सीमेंट की जो फैक्ट्री है वो क्या है, उद्योग है या व्यवसाय है। तो सर ने बहुत ही अच्छी तरह से उनको आंसर किया और इसमें माइक्रो टीचिंग के रूप में भी करवाया जाता है और सर ने भी माइक्रो टीचिंग की थी। सर, कुछ आपका माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड कोई अनुभव हो? हाँ, आरपीएससी के मेंबर के द्वारा मुझे माइक्रो टीचिंग करने के लिए कहा गया था। फिर मैंने मार्केटिंग रिसर्च टॉपिक पर माइक्रो टीचिंग लगभग 3 मिनट तक करवाई, जो मुझे अपने आप में काफ़ी गर्व महसूस होता है कि मैंने अपने आरपीएससी मेंबर के सामने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी और उन्होंने मुझे कोई कमेंट अगेंस्ट कमेंट नहीं किया। बहुत अच्छी बात है सर। और सर, इंटरव्यू कितनी देर तक चला था आपका? इंटरव्यू लगभग 10 मिनट से 12-13 मिनट तक चलता है। सर ने बताया कि इंटरव्यू मिनिमम 10 मिनट तो चलता ही है और ज़्यादा भी हो सकता है। और एक बात ध्यान रखनी है, सर ने भी बताई कि जो आप इंटरव्यू में माइक्रो टीचिंग करते हैं तो जो बोर्ड है जब जाते जा रहे हैं आप तो उस बोर्ड को आपको क्लीन करके जाना है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। और सर, ड्रेस कौन सी वियर करनी चाहिए? ड्रेस नॉर्मली सर आपको फॉर्मल ड्रेस पहननी चाहिए, वुमेंस को भी फॉर्मल साड़ी पहननी चाहिए। सर ने जैसे बताया कि सर आपको हम क्या पहन के गए थे? मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो दिसंबर 2022 में हुआ था। उस समय जैसे आप सभी जानते हैं दिसंबर में सर्दियाँ पड़ती हैं, तो मैं कोट पैंट वाइट शर्ट प्लस ब्लैक शूज पहन के गया था। देखो सर ने बहुत ही अच्छी ड्रेस वियर करके गए थे। प्लेजेंट जो पर्सनैलिटी है वो प्लेजेंट लगती है। जो हमें ओवरऑल अपने पे काम करना पड़ता है, ड्रेस का भी ध्यान रखना पड़ता है, अपने बोलना करना हर चीज़ मायने रखती है इंटरव्यू में, क्योंकि सब चीज़ों का ध्यान रख कर ही वो इंटरव्यू में मार्क्स देते हैं। क्योंकि इसमें कंटेंट भी होता है, प्रेजेंटेशन स्टाइल भी आती है, आपकी जो डिलीवरी कर रहे हो टीचिंग में क्या डिलीवरी कर रहे हो उनको वो भी मायने रखता, काफ़ी चीज़ें मायने रखती है। तो सर, इंटरव्यू का जो प्रोसेस टाइम है वो क्या रहता है? इंटरव्यू जो आरपीसी के द्वारा लिए जाते हैं वो फर्स्ट सेशन लंच से पहले और लंच के बाद लिए जाते हैं। लंच से पहले इंटरव्यू होगा या लंच के बाद जो इंटरव्यू होगा आपका, वो आपके एडमिट कार्ड में ऑलरेडी मेंशन होता है। लगभग इंटरव्यू देने जाने के लिए लगभग 1 घंटा लग जाता है। सर ने जैसे बताया कि एक मॉर्निंग सेक्शन है, एक आफ्टरनून सेक्शन है, सुबह 9 बजे, फिर दिन को 1 बजे। आपको अपने समय जो नियत समय है वो आपको
इंटरव्यू जो लेटर मिलता है उसमें सब मेंशन होता है, तो उसे ध्यान रखकर आपको इंटरव्यू में सही समय पर पहुंचना है। सर आपसे जो आखिरी प्रश्न है हमारा वो ये है कि आप जो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं और जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो रिक्रूटमेंट चल रही है, उसके इंटरव्यू चल रहे हैं, उनके लिए कुछ सजेशन देना चाहेंगे सर? मैं सभी प्रतिभागियों को यही कहना चाहता हूँ कि इंटरव्यू देते समय आप बिल्कुल नेचुरल रहें, अपने कॉन्फिडेंस के लेवल को हाई रखें और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा रखें। जितना कम्युनिकेशन लेवल और कॉन्फिडेंस आपका हाई रहेगा, उतने ही ज़्यादा मार्क्स मिलने को आप संभावना रहेगी। और अपने सब्जेक्ट पर अच्छे से कमांड रखें। यदि कुछ क्वेश्चन आपको कन्फ्यूज करता है, यदि आपको याद नहीं आता है, तो आप उसके लिए बिना संकोच मना कर सकते हैं, आप सॉरी बोल सकते हैं। सर ने अपना व्यक्तिगत जो अनुभव था साक्षात्कार का वो हमसे साझा किया, और सर ने कुछ और भी पॉइंट बताए थे, जैसे कि आपको अपनी जो जहाँ सिटी है वहाँ पे आप रह रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने जाना है, अपनी जो सब्जेक्ट से रिलेटेड पूरा जो मैटर है उसको ढंग से पढ़ के जाना है, क्योंकि उस सब्जेक्ट पे कमांड होना बहुत ही ज़रूरी है, और टाइम पे पहुँचना है, अपने ड्रेस सेंस की तरफ ध्यान रखना है। और आने वाले समय में हम आपसे, जैसे सर आज हमसे मिले और हम आपके लिए सर का व्यक्तिगत अनुभव आपके बीच में लेके आए, ऐसे कोई और सर होंगे जो न्यू रिक्रूट हैं उनसे भी हम व्यक्तिगत अनुभव लेंगे उनके साक्षात्कार का। आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल। थैंक यू सर।